हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम विटामिन्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे जिसे जानना जरूरी है हमारे स्टडी के पर्सपेक्टिव से भी और हेल्थ नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी। तो चलिए चलते हैं विटामिन्स की दुनिया में। विटामिन्स यानी और न्यूट्रिशन दैट द बॉडी नीड्स टू फंक्शन एंड स्टे हेल्दी, मतलब न्यूट्रिशन की जरूरत होती है जिससे हमारी बॉडी हेल्दी रहे और चल सके यानी फंक्शन कर सके, उसी न्यूट्रिशन को हम विटामिन का नाम देते हैं। तो टोटल विटामिन 13 टाइप्स की होती है, विटामिन ए टू विटामिन के, जैसे ये लिस्ट आप देख सकते हैं टोटल 13 विटामिन है। अब हम इन सभी को एक एक करके जानने वाले हैं। विटामिन ए, इसके कई फायदे हैं, जैसे कि विटामिन ए आंखों की रोशनी को तेज करता है और हमारे मसल्स को मजबूत करता है, बोन्स को नॉर्मल ग्रोथ और स्ट्रांग बनाता है और हमारी स्किन को सॉफ्ट और यंग रखता है, और ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रांग बनाता है और डाइजेशन रिलेटेड बीमारियों से छुटकारा भी देता है। विटामिन ए कैरेट, हार्ड चीज, कॉटेज चीज, मिल्क, एग, फिश, पालक और लीवर में पाई जाती है। अगर हम विटामिन ए को हाई टेम्परेचर या ज्यादा दिनों तक स्टोर करके रखें तो ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, यानी विटामिन ए उस मटेरियल से खत्म हो जाता है। हमारी बॉडी को पर डे 0.4 मिलीग्राम से लेकर 1 मिलीग्राम अमाउंट तक विटामिन ए की जरूरत होती है। विटामिन ए की कमी से अगर यानी हमारी बॉडी को विटामिन ए नहीं मिला तो हमारी बॉडी को आंखों से जुड़ी समस्या जैसे नाइट ब्लाइंडनेस और इम्यूनिटी लेवल कमजोर हो सकता है। विटामिन ए सबसे ज्यादा स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद, गाजर जैसे फूड में पाई जाती है, और आप ये टेबल देख सकते हो टॉप 10 हाई फूड इन विटामिन ए। अब हम चलते हैं विटामिन बी की ओर। तो विटामिन बी हमारे शरीर को गुड मेंटेन बनाए रखता है, हमारे बोन्स को हेल्थी बनाए रखता है, हमारे शरीर को हैप्पी एंड यंग फीलिंग देता है, गुड हार्ट हेल्थ रखता है, कंसंट्रेशन यानी फोकस बनाए रखता है, गुड डाइजेशन देता है, वीकनेस और टायर्ड से छुटकारा देता है, और ब्लड लेस प्रॉब्लम, ब्लड से जुड़ी प्रॉब्लम बहुत कम कर देता है, और डिप्रेशन से भी निजात देता है। तो विटामिन बी के बहुत सारे फायदे हैं और इसको अलग अलग टाइप में डिस्क्राइब किया हुआ है, यानी कि विटामिन बी को भी डिवाइड किए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं विटामिन बी के डिवाइड पार्ट्स की ओर। विटामिन बी वन हमारे शरीर को गुड डाइजेशन, हेल्दी मसल्स, हेल्दी हार्ट और क्वालिटी स्लीप देता है, और ये नट्स, ओट्स, व्हीट ग्रास, पोर्क और बकव्हीट में भी पाया जाता है विटामिन बी वन। अगर हम विटामिन बी वन को लंबे समय तक प्रिपेयर करें या फिर खाना बनाने वक्त हम ऊपर से साल्ट ऐड करें, नमक ऐड करें, या फिर खाना खाने वक्त हम कॉफी का सेवन करें, कॉफी पिए, तो विटामिन बी वन उस समय नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। हमारे बॉडी को 1.3 मिलीग्राम से लेकर 2.6 मिलीग्राम तक पर डे विटामिन बी वन की जरूरत होती है। विटामिन बी वन की कमी से हमारे शरीर में अल्जाइमर, कैंसर, मेटाबॉलिज्म जैसी बीमारियां पैदा होने लगती है। और ये टॉप टेबल है विटामिन बी वन से रिलेटेड टॉप हाई फूड्स इन विटामिन बी वन, तो आप इस टेबल को देख सकते हो, एक बार नजर दोहरा सकते हो वीडियो पॉज करके। अब चलते हैं विटामिन बी टू की ओर। विटामिन बी टू हमारे शरीर में साफ विजन, हेल्दी मसल्स, रीजनरेटेड सेल्स प्रदान करता है, यानी हमारे सेल्स का लाइफ भी बढ़ाता है, रीजनरेट करने में मदद करता है। और विटामिन बी टू मिल्क, आलमंड्स, एग्स, मशरूम और मीट में पाई जाती है। अगर जो हम विटामिन बी टू को ज्यादा देर तक लाइट के रीजन में रखेंगे, ज्यादा देर तक उस पर लाइट का इम्पैक्ट रहेगा, तो विटामिन बी टू नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और हमारे बॉडी को 1.3 मिलीग्राम से लेकर 3 मिलीग्राम पर डे विटामिन बी टू की जरूरत होती है, यानी हमें उतनी विटामिन बी टू चाहिए होता है पर डे। विटामिन बी टू की कमी से हमारे गले में खराश, थकान हो सकती है और हमारे जीभ और होठों का सिकुड़ना और काला पड़ना शुरू हो सकता है, और इससे हार्ट डिजीज जैसी प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। विटामिन बी फाइव, ये हमारे शरीर में यानी मनुष्य को गुड मेमोरी, चेयरफुल मूड, क्यूक रिकवरी फ्रॉम इलनेस, बीमारियों से जल्दी छुटकारा और हेल्दी हार्ट प्रोवाइड करता है, और यह पाया जाता है चिकन, एग, योक, डेयरी प्रोडक्ट, नट्स, येस्ट, ओटमील, राइस एंड ब्रोकली जैसे फूड्स में। तो ये अगर जो हम विटामिन बी फाइव को बार बार फ्रीजिंग करेंगे, रिपीट फ्रीजिंग, तो विटामिन बी फाइव नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है उस फूड से, और हमें पर डे हमारे शरीर को 5 मिलीग्राम तक विटामिन बी फाइव की जरूरत होती है। विटामिन बी फाइव की कमी से बाल सफेद हो सकते हैं और हमारे शरीर में हमारे दिमाग को मंद बुद्धि का सामना करना पड़ सकता है। विटामिन बी सिक्स हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है और ब्लड वेसल्स को हेल्दी बनाए रखता है। विटामिन बी सिक्स ग्रीन सैलेड, कैबेज, बनानास, वॉलनट्स एंड मीट में पाई जाती है। विटामिन बी सिक्स अगर जो हम ज़्यादा देर तक इसको लाइट के इम्पैक्ट में रखेंगे तो ये डिस्ट्रॉय हो जाती है और हमारे शरीर को 1.6 मिलीग्राम से लेकर 2 मिलीग्राम पर डे विटामिन बी सिक्स की जरूरत होती है। विटामिन बी सिक्स की कमी से
होंठ फट सकती है, थकान हो सकती है, आपको कमजोरी महसूस हो सकती है और स्किन रैशेज जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। विटामिन बी नाइन हमारे स्ट्रेस को कम कर देती है और हमारे बालों को खूबसूरत बनाती है, फर्टिलिटी इन मेन को इंक्रीज बढ़ा देती है। विटामिन बी नाइन बीन्स, पीनट्स, सी फूड्स, सनफ्लावर सीड्स और फ्रेश फूड जैसे फूड्स में पाई जाती है। अगर जो हम विटामिन बी नाइन को भी ज्यादा देर तक लाइट के इम्पैक्ट में रखेंगे और एयर के कॉन्टैक्ट में रखेंगे तो विटामिन बी नाइन खत्म हो सकती है। विटामिन बी नाइन पर डे 0.4 मिलीग्राम से लेकर 0.6 मिलीग्राम तक हमारी बॉडी को जरूरत होती है। विटामिन बी नाइन की कमी से हमारे शरीर में डायरिया, डिप्रेशन और ब्रेन डिफेक्ट जैसी बीमारियां हो सकती है। विटामिन बी ट्वेल्व नॉर्मल वेट मेंटेन किए रखता है हमारे बॉडी को, गुड इम्यूनिटी सिस्टम बनाता है, साउंड मेमोरी को साफ रखता है, और ये विटामिन बी ट्वेल्व फिश, मिल्क, चीज, एग योल्क, सोयाबीन्स में पाई जाती है, इन जैसी फूड्स में पाई जाती है। विटामिन बी ट्वेल्व को अगर जो हम ज्यादा देर तक लाइट के इम्पैक्ट में रखेंगे या फिर ज्यादा हाई टेम्परेचर पे रखेंगे तो विटामिन बी ट्वेल्व खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। विटामिन बी ट्वेल्व हमारे शरीर को पर डे 2.5 मिलीग्राम की जरूरत होती है, यानी 2.5 मिलीग्राम पर डे हमें विटामिन बी ट्वेल्व चाहिए होता है। विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से हमें मसल्स में ऐंठन, कमजोरी और स्किन पीला पड़ सकता है। विटामिन बी फिफ्टीन हमें ऑक्सीजन को हार्ट, ब्रेन और बाकी सब ऑर्गन्स तक ले जाने में मदद करता है और ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत करता है और हमारे सेल लाइफ को बढ़ाता है। विटामिन बी 15 ब्राउन राइस, येस्ट, पम्पकिन सीड्स और सीसम सीड्स में पाई जाती है। विटामिन बी 15 को अगर जो हम हाई टेम्परेचर पर रखें तो ये नष्ट हो सकता है, खत्म हो सकता है और हमें पर डे 50 मिलीग्राम से लेकर 150 मिलीग्राम तक विटामिन बी 15 की जरूरत होती है। विटामिन सी WCC बनाने में सबसे अहम रोल इसका है। विटामिन सी से कई फायदे हैं, जैसे दांत दर्द, मसूरों से खून और स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम खत्म हो जाती है इससे, जैसे इन्फेक्शन, झुर्रियां, खुजली, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, ऐसी चीजें बिल्कुल निजात मिल जाती है विटामिन सी की मदद से। ये बॉडी में खून की नसों को भी मजबूत करता है और विटामिन सी हमारी स्किन को स्मूथ बनाता है, हेल्दी हेयर एंड नेल्स बनाता है, गुड इम्यूनिटी सिस्टम देता है। विटामिन सी सी बकथ्रोन, रेड फ्रूट, पीस, बनानास, कीवी फ्रूट और साइट्रस फ्रूट जैसे फलों में पाई जाती है। विटामिन सी को अगर जो हम पकाएंगे, कुकिंग करेंगे तो वो उस समय डिस्ट्रॉय, खत्म हो जाता है और हमें 70 मिलीग्राम तक पर डे विटामिन सी की जरूरत होती है हमारी बॉडी को। विटामिन सी की कमी से हमें सकर्वी रोग हो सकती है, दांत गिर सकती है और मसूड़ों से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। विटामिन डी हमारे ब्रेन और मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करता है और कैंसर से प्रोटेक्ट भी करता है और ये अदर कॉमन कोल्ड और हार्ट अटैक से भी प्रोटेक्ट करता है और ये हमारे बॉडी को मेंटेन बैलेंस बनाए रखता है। विटामिन डी हमारे बोन्स को भी हेल्दी रखता है, इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ाता है, चेयरफुल मूड्स बनाए रखता है और हमारे ब्लड वेसल्स और हार्ट को हेल्दी रखता है। विटामिन डी बटर, चीज, एग योक, फिश, वेजिटेबल ऑयल, बीफ एंड पोटैटोज में पाई जाती है। विटामिन डी की कमी से हमें बोन से जुड़ी समस्याएं हो सकती है, मसल्स में ऐंठन हो सकता है और बोन्स कमजोर हो सकते हैं। विटामिन ई एल्जीरिया को रोकता है और हाई ब्लड प्रेशर को बढ़ाने से भी रोकता है। यह स्किन से डेड सेल और ब्लैक स्कार्स यानी काले धब्बे को भी निकालने में मदद करता है। इसके कारण चोट लगने पर घाव जो होती है, जख्म, वो आसानी से भर जाता है। विटामिन ई हमारे बॉडी को रेजुविनेटेड करता है, जैसे मैंने बताया, घाव आसानी से भर जाता है, चेयरफुल मूड बनाए रखता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इन्वायरमेंट में जुड़ी जितनी वायरसेस होते हैं उसे प्रोटेक्ट करता है। विटामिन ई बटर, नट्स, लीवर, डायरी प्रोडक्ट्स, मीट, ओल्स एंड ऑलिव ओल्स जैसे फूड्स में पाई जाती है। हमें 30 मिलीग्राम से लेकर 50 मिलीग्राम तक पर डे विटामिन ई की जरूरत होती है हमारी बॉडी में। विटामिन ई की कमी से हमारे ऑर्गन तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं जा पाती है, जिससे जुड़ी कई समस्याएं हो सकती है। अब चलते हैं हमारे आखिरी विटामिन यानी विटामिन के। विटामिन के ब्लड को क्लॉटिंग करता है, उम्र के बढ़ती समस्याओं को भी रोकता है, यानी जितनी उम्र बढ़ती जाती है उससे जुड़ी समस्याओं को भी कम करता है और डाइजेशन सिस्टम में ब्लडिंग होने से भी रोकता है। विटामिन के शरीर के होल्स जैसे नाक, कान, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से खून बहने से भी रोकता है और विटामिन के ग्रीन टी, स्पिनेच, कैबेज, कैरेट, टोमेटोज एंड कॉलीफ्लावर्स में जैसी फूडों में पाई जाती है। अगर जो हम विटामिन के को ज्यादा देर तक लाइट के इम्पैक्ट में रखेंगे या उसको प्रिपेयर करेंगे तो फिर विटामिन के नष्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। हमें 1 मिलीग्राम से लेकर 2 मिलीग्राम तक पर डे विटामिन के की जरूरत होती है हमारे बॉडी को। विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती, यानी कि ब्लीडिंग चालू रहेगी, ब्लीडिंग रुकेगी नहीं। ऑपरेशन के दौरान भी चोट वगैरह लगेगा तो उसमें भी ब्लीडिंग बहुत देर तक रुकी। तो ये थी विटामिन से जुड़े कुछ ज्ञान। तो अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और
आप इस ज्ञान को फैला भी सकते हो तो शेयर जरूर करें सभी लोग के पास, ताकि विटामिन से जुड़ी ज्ञान सभी तक जा सके। और हमारे चैनल को नीट हार्ट को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोस आपके लिए लगातार लाते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।